नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक नया दिन और एक छोटू सा सफ़र चालू हो गया। आपको बैकपैक नहीं दिख रहा तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग अभी भी अन्नावरम में रुके हुए हैं। और आज पूरा दिन, आधे से आधे दिन तो मेरा एडिटिंग और अपलोडिंग में चला गया, पर पूरा दिन वेस्ट ना हो इसलिए सोचा कि क्यों ना थोड़ा बाहर निकले। और मैंने गूगल किया तो पता चला कि यहाँ पे एक रिजर्वायर है जिसका नाम पंपा रिजर्वायर है। तो सोचा क्यों ना आज मैं और बटर, टाइम बचा है, बहुत ही पास था 1.5 किलोमीटर, तो सोचा क्यों ना एक वॉक ले ली जाए। तो 15-20 मिनट लगेंगे और देखते हैं कैसा है। वैसे तो अन्नावरम जो है मेनली अन्नावरम टेंपल के नाम से जाना जाता है, जो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, पर कुछ कुछ और भी टूरिस्टिक जगह हैं। जो गूगल पे लिस्ट शो कर रहा था उसमें से आधी से ज़्यादा टेंपल्स थे, और आपको पता है कि हम लोग मोस्टली टेंपल्स ही विजिट कर रहे हैं। तो सोचा कि कुछ ना कुछ थोड़ा अलग देखे, तो पता चला कि पंपा रिजर्वायर भी है। और अच्छा, एक वैली की तरह ईस्टर्न घाट से टचिंग एक रिजर्वायर है, और एक डैम भी बना हुआ था जब हम लोग आ रहे थे, तो मैंने देखा था एक डैम बना हुआ है, और हो सकता है कि उसी रिजर्वायर को प्रिजर्व करने के लिए बनाया हो रोकने के लिए। पर फिलहाल ऐसा है, और ये मार्केट एरिया है मेन, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बाईपास से एक रास्ता जाता है, हम लोगों ने वो नहीं लिया था क्योंकि हमें रुकना था यहाँ पे। डैम की मैं बात कर रहा था वो 400-500 मीटर ही था, और अब तो शायद अरब शायद इतना वर्किंग नहीं है, पर ये बनाया हुआ है और पीछे पूरा ईस्टर्न घाट है, ये पूरा लैंड एरिया है, और ये मेरे ख्याल से पंपा रिजर्वायर को ही रोकने के लिए बनाया था, तो उसका नाम ही रिजर्वायर है तो ऑफकोर्स उसी के लिए बनाया होगा। बहुत ही कम पानी छोड़ा जा रहा है इसमें, मतलब जितना रिजर्वायर होगा उसका 0.25% शायद पानी छोड़ा जा रहा है। मैंने 1, 2, 3, 4 गेट है इस डैम में, एक ही से पानी छोड़ा जा रहा है, वो ही 0.25%। और काफ़ी ग्रीनरी है यार इधर, मतलब इधर और उधर सब जगह। ऐसा ही गूगल मैप जो है थोड़ा गलत रास्ता बता रहा था, वो ब्रिज पार करके उस साइड से, बट लोकल्स ने बोला कि इसी साइड से अंदर गांव से रास्ता जा रहा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है पर यहीं पर है, इसी साइड है। बटर पहुंच चुके हैं पंपा रिजर्वायर, तो बहुत ही सुंदर है, मतलब एक लेक की तरह है। और ये देखो हम लोगों के पीछे है ईस्टर्न घाट के बीच में, इधर प्लेन्स के बीच में ये रिजर्वायर है, और मैं इतने सुंदर व्यू के मजे ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैठे हुए हैं लोकल से आए थे। और बटर तो कुछ काम नहीं है, वो सूंघ रही है यार, हाथ हो गया, इतना अच्छा व्यू है, तुम सूंघ रहे चीज़ें, तो बहुत ही अच्छा व्यू है। मतलब
Close your eyes for a minute. Close your eyes for a second. I won't change my mind. What is getting deep now? What is getting deep now? लोग मच्छी पकड़ने जा रहे हैं उधर गोल्स में नेट। तो ये जो इतना सुंदर रिजर्वायर हम देख रहे हैं, पंपा रिजर्वायर जिस नाम से ये है, ये एक्चुअली में जो रिवर है पंपा रिवर, या फिर इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं पंबा रिवर के नाम से। तो PAMPA पंपा भी नाम है और PAMBA पंबा भी नाम है। और ये पंपा या फिर पंबा रिजर्वायर जो है ये एक्चुअली में पंबा या पंपा रिवर के ऊपर है। और फिलहाल जिस रिजर्वायर पे हम लोग बैठे हैं वो ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में आता है, अन्नावरम में, आंध्रा में। पर अगर हम लोग इस रिवर की बात करें जिससे रिजर्वायर फॉलो अप हो रहा है या फिर बन रहा है यहाँ पर आके, तो ये जो रिवर है पंपा या फिर पंबा, और इसका एक और नाम है जो पुराना नाम है जो कलारा रिवर या फिर कलारा नदी के नाम से जाना जाता है। और कलारा जो है बेसिकली एक मलयालम वर्ड है, दो शब्द कला आरा, मतलब कला मींस स्टोन, आरा मींस रिवर, स्टोन रिवर के नाम से ये नाम एक्चुअली में है। और वैसे जो ये रिवर है ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है सदर्न इंडिया की, केरला स्टेट की स्पेशली। और ये ओरिजिनेट जो होती है वो होती है केरला के वेस्टर्न घाट से, जो पलुचिमल्ली हिल से ओरिजिनेट होती है, पिरामिडू प्लेटू वेस्टर्न घाट के केरला के। और इस रिजर्वायर पे तो डैम बनाया ही हुआ है यहाँ पे, पर करीब करीब 11 डैम बने हुए हैं जब तक नदी यहाँ पर पहुँचती है। और इस पंबा रिवर या पंपा रिवर को माना जाता है सदन गंगा या फिर दक्षिण गंगा बोल सकते हैं कि साउथ की गंगा भी इसे माना जाता है। और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। और अंकल जी जो साथ में बैठे थे वो अभी टाइम हो गया है, वो फिशिंग करने जा रहे हैं और क्या मस्त एकदम चप्पू चला के जा रहे हैं। मन तो मेरा भी कर रहा है पर उनका काम है, वो हम नहीं जा सकते हैं साथ में, तो अंकल को जाने देते हैं। और ऐसा कुछ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू के मज़े तो बटर भी ले रही है, मतलब अलग अलग मज़े ले रही है वैसे तो ऐसा है। और जस्ट हमारे पीछे अगर आप लास्ट स्टॉप में देखा हो तो उधर जो है वहाँ पे अन्नावरम टेम्पल है, जो मेन टेम्पल है नारायण का, और महादेव और ब्रह्मा भी वहाँ पे विराजमान है। और ये जो साइड है ये ईस्ट साइड है, तो जो गेट पड़ता है वो बेसिकली ईस्ट फेसिंग है, यहाँ से सनराइज़ होता है और उस साइड सनसेट होता है। तो आप जब घुसते हो तो वैसे आप देखोगे तो वेस्ट में, आपको देखोगे तो वेस्ट में गेट पड़ेगा, पर वो एक्चुअली ईस्ट फेसिंग गेट है और ऐसा कुछ है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं कल एक नए दिन एक नए सफ़र में, और देखते हैं कल कहाँ पहुँचेंगे कहाँ जाएंगे। तब तक बटर मैडम जो अपने में कुछ देख रही हैं और हम लोग ये मस्त व्यू थोड़ी देर इन्जॉय करते हैं।